बाबूजी, बाबूजी मुझे आशीर्वाद दो बाबूजी। बाबूजी पैर कहाँ? बाबूजी, अरे बाबूजी मुझे आशीर्वाद। आप क्या गलत करने जा रहा है तू? मैंने बाबूजी को बोला था माँ कि एक दिन वो मेरे बारे में बहुत गर्व से बात करेंगे, और वो दिन आ गया माँ। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर इस घर में चलने वाला है, और जो भी लोग मुझे देख के मुंह बनाते थे वो समझ लें कि सचिन टिचकुले की शुरुआत हो गई है। बाबूजी आशीर्वाद। इससे पहले कि वो रोड रोलर पड़ा पड़ा सड़ जाए, ये उसे बेच देगा तो अपना कर्जा तो चुकाएगा। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। अच्छा काम करने जा रहा हूँ, ऐसे टाइम पे काली जुबान का इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, एक मिनट आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। पहले ले तो आप, बाद में दूंगा। फोकट में क्यों अपना आशीर्वाद बर्बाद कर। गुड थिंकिंग बाबूजी, गुड थिंकिंग। माँ 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 मेरे स्वागत के लिए आरती तैयार रखना, ठीक है? मैं रोड रोलर लेके आता हूँ। हाँ हाँ बाबा जा। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना। हाँ, अकेले खींचो, अकेले खींचो। हाँ, हाँ, अकेले सोचते हुए ये जा रही है। हाँ। बात सुन, किसी सस्ते पेंटर को पकड़ और इसके ऊपर लिखवा टिचकुले कंपनी का रोड रोलर। चल, और लाल पेंटा, लाल पेंट, लाल पेंट। चल, चल। हाँ, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, अब आप रोड रोलर ले जा सकते हो। मुझे आप लोगों से परेशानी नहीं है, पर आप अपने ऊपरी ऑफिसर को बोल देना कि इस साल टिचकुले के साथ ज्यादा खिलवाड़ ना करे। अभी देखा ना क्या हुआ, आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। उसी तरह आइंदा ऐसे किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो ये सारा सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उस पर लिख दूंगा टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का म्यूनिसिपल ऑफिस। फीस, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ शोर मत मचाओ। मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता रहा था। अबे ये भावना अपने घर पे जाके दिखा, अब ये रोलर लो, निकलो यहाँ से। टोटल जो खर्चा हुआ उसमें पुलिस स्टेशन में आपकी जमानत करवाई उसका 11,000, रिश्वत दी उसका 5,000, आगे खाने पीने का 300 रुपया, और ये तेरे बाप का है, तेरे बाप का है। भाई हटा हटा, फिर एक काम कर, गद्दा ऊपर डाल, सो जा, निकल यहाँ से, निकल निकल। टोटल बिल 8,900, चाय पानी का अलग। नारियल तोड़ने को बोला था, पीठ तोड़ने को नहीं बोला था। अरे आप बीच में है तो हम क्या करें? मैं तोड़ता हूँ, लो आप फोड़ो। अबे तेरी तो क्या रे, ज्यादा चर्बी चढ़ी तेरे को, एक दूंगा ना। थोड़ा नारियल फिसल गया मेरे हाथ से। आप जाइए, नया कांच लगवा दीजिए, मैं पैसे भिजवा दूंगा आप थाने, जाइए। अरे कब्जा देखने नहीं है जीजा जी? कब्जा क्या मुजरा है जो देखने आऊं? ये तमाचा है उन लोगों पे जो मुझे आलसी समझते हैं। अरे आओ आओ सब लोग आओ, कब्जा देखने आओ, देख लो आम आदमी की कैसे जीत हुई और म्युनिसिपैलिटी वालों की हार हुई। आओ मैडम मैडम मैडम, ये ना चीज आपका रोड रोलर लेके जा रहा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसा कोई भी इंडियन जो देशभक्त है वो अपने देश के साथ इतनी घिनौनी हरकत नहीं करेगा। मैडम यहाँ पे इंडियन कौन है? अमेरिका में जाओ तो अमेरिकन मिलेंगे, जर्मनी में जाओ तो जर्मन मिलेंगे, फ्रांस में जाओ तो आपको फ्रेंचमैन मिलेंगे, इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लिशमैन मिलेंगे, और इंडिया में जाओ तो आपको मिलेंगे मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयाली, बंगाली। इंडियन कहाँ है? इस देश में सिर्फ एक ही जगह आपको देश प्रेम देखने को मिलेगा, वो है इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। बाकी कहीं भी आपको देश प्रेमी नहीं मिलेंगे। सबको अपनी तिजोरी भरनी है, सबको अपना पेट फुलाना है, दैट्स ऑल। गुड बाय मैडम। और हाँ, बड़े इत्तेफाक की बात है मैडम, जब मैंने म्यूनिसिपैलिटी का सत्यानाश करना शुरू किया उसी वक्त आपने अपना ओहदा संभाला, आपके सार गए और आपका नाम खराब हो गया। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, ठीक है मैडम? अच्छा अच्छा, राम 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 राम। कुल मिलाकर टोटल खर्चा, चाबी दे इसको, चाबी दे, जिसको बैठता बैठ जाओ, चलो चाबी दे इसको। अरे भाऊ आप भी चला सकते हैं इसे, गाड़ी के लाइसेंस पे थोड़ी चलता है, इसको चलाने के लिए अलग ड्राइवर अलग लाइसेंस चाहिए। तू किसी को जानता है? भाई मैं जानता हूँ एक अच्छे ड्राइवर को, अपना पड़ोसी से बोल तो लेके आऊँ। अरे जा लेके आ, हाँ जल्दी जा। पहले मैंने सबसे पूछा अंशुमान किधर है, तो बोले यहाँ कोई अंशुमान बंशुमान नहीं। अरे खाली अंशुमान पूछेगा तो बहुत ही देर,
अवार्ड अंशुमन पूछेगा तो पता चलेगा ना। अवार्ड अंशुमन? इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? नहीं नहीं। घाट वालों में? नहीं। गिर गर्दन घाट? गिर गर्दन घाट। अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, उसमें बड़ा बड़ा मतलब तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी। रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, अन दोनों तरफ से खाई। तू नीचे देखेगा ना, तेरे को लगेगा तू यमन में बैठा है। क्या बात कर रहे हो? अरे बात मानिए क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है? नहीं। क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना वो तीन दिन बाद पहुंचता है, अन अचानक रोड रोलर का ब्रेक फेल, फिर ये नीचे था गाड़ी, ये मैं छोड़ा नहीं, जरा भी खसका ना तो गया। देवा शपथ, इंजन रॉकेट के मापी दौड़ रहा था, धक 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 धक, रोक नहीं सकता था, बर्फ थी ना। और फिर? फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टेयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। क्या हुआ? तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी, अन रोड रोलर जाके पेड़ को लगा घटकन, पेड़ खाई में गिरा भटकन, फिर रोड रोलर जाके किनारे पे लटका, ये किनारे पे, ये ऐसा बैलेंस, ये बैलेंस, सब पब्लिक देख रही थी, मैं ऐसा निकल के, ये निकल के किनारे पे संभल के आ गया। फिर PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधरिच? उधर ने तीन चार दिन बाद में आके दिया। अच्छा। आके घर पे दिया, पीठ पे थपथपाया, बोला तू अंशु? तू अंशुमान नहीं, तू हनुमान है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी शक्ल देख के बोला होगा। मस्करी करता क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं फेंक रहा हूँ। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं फेंक रहा, फेंक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, यकीन नहीं है ना? चल साइकिल घुमा, चल जाके किसी और को ढूंढ ले, चल। एक मिनट एक मिनट, अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, गाड़ी घुमा। बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ चीटी, मामा जी क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे, चाबी दो, चाबी दो, ये लीजिए। दाहिने हाथ से दो, ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452.55 और 99 रुपए आपके रिक्शा के। बराबर बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना कितना लेना सब इस बोरिये के अंदर लिखा हुआ। और एक बार ये रोड पे गड़ा कर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुँचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसमें पेट भर के डीजल डाला मैंने। फिर तो प्रॉब्लम नहीं, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे, जल्दी दे, जल्दी दे। हाँ। ये लो। ये लो। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए माकड़ तो अंडचिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट ले, हट। किधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल। हरामी उधर उधर, तुम में से कोई भी नहीं आएगा समझे ना, सब लोग चल के आएंगे, सिर्फ मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो, बंद क्यों हुआ? चल, अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाए इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना ये बंद होता है, पनौती उतर, उतर नीचे उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है, स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोनकर जी, डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो।
जा माइडा। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुत्ते गियर बॉक्स टूट गया, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्या है? इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियर बॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। तो रोलर को खांदे बोलो लास्ट के मामले लेके जाओ। रोलर ला खांदे और ये होंदा कि रे माला विजत्रा लगी। बंद कर, करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना करो। ए सुन, वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, चार पांच खड्डा गिर गया उसको भरने का है भाऊ। हां जो बोलता कर। और कुछ चाहिए? दो तीन चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे।